हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एसआई एंड सीआई, ठीक है, एसआई एंड सीआई, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी वगैरह कोई भी एग्जाम एसएससी का पूछा जाता है उसमें ये टॉपिक इस टॉपिक के क्वेश्चन आते ही हैं। और जीडी में आपके क्वांट में 20 क्वेश्चन है इस बार, तो 20 में से एक तो आपका जरूर होगा, शायद आपका दो भी हो जाए, ठीक है, और अगर ज्यादा हुआ तो तीन, मैक्सिमम तीन, लेकिन दो आप रखिए, दो के चांसेस हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस आपको बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसमें थोड़े कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव होता है ये थोड़ा टॉपिक। और अगर कैलकुलेशन में आपकी पकड़ है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अगर आपकी पकड़ है तो ये टॉपिक आपको उतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा, और आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ऑब्वियस ही बात है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एस आई भी लिखते हैं, ठीक है, एस आई भी लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे सपोज ए है, ए जो है कोई उसके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, वो 5,000 रुपया बी को देता है, ठीक है, बी को देता है 20% इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि हर साल, ठीक है, हर साल के मतलब हर साल मतलब पर एनम मतलब एक साल के लिए 20%, ठीक है, एक साल के लिए 20% का इंटरेस्ट पे देता है, और वो टोटल 3 साल के लिए देता है, ठीक है, 3 साल के लिए देता है, ठीक है। तो ए जो है 5,000 रुपया दिया बी को 20% के इंटरेस्ट में, ठीक है, और 3 साल के लिए दिया, ठीक है, 3 साल के लिए दिया। अब यहाँ पे देखिए ए को 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 20% पर एनम, मतलब हर एक साल वो 20% इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक साल मतलब 20% ऑफ 20% ऑफ 5,000, मतलब 5,000 का 20%, ठीक है, वो हुआ आपका 1,000 के बराबर, 1,000 के बराबर, ठीक है। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा उसका आपका 1,000 गुना 3 यानी ₹3,000, ठीक है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आप ये कमा लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो टर्म है, कुछ टर्म्स आते हैं आपके एस आई एम सी आई में, जो कुछ टर्म्स आते हैं वो आते हैं प्रिंसिपल पहला, तो ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूल राशि। तो ए जो है, ए का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 5,000, ए का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5,000, और जो इंटरेस्ट दूसरा टर्म इंटरेस्ट आता है ये आपका इंटरेस्ट, तीसरा टर्म टाइम टाइम, ठीक है, जो तीसरा टर्म आता है वो है टाइम, तो ये आपका 3 ईयर्स हो गया टाइम, ठीक है। और एक आता है जो मैं एक एक करके लिख देता हूँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ठीक है, एक सेकंड, प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल आपका हो गया, दूसरा आपका टर्म आएगा एक टाइम, ठीक है, तीसरा इंटरेस्ट, ठीक है, और फोर्थ एक आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट मतलब जो टोटल अमाउंट उस इंटरेस्ट में लगाने के बाद उसको टोटल जो अमाउंट मिला वो आपका अमाउंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर इस एग्जाम्पल में ले तो प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपये हो गया, ठीक है, 5,000, टाइम जो आपका हो गया वो 3 साल हो गया 3 ईयर्स, और इंटरेस्ट जो आपका हो गया 20% पर, ठीक है, हर एक साल, और अमाउंट जो हो गया वो आपका कितना टोटल टोटल इंटरेस्ट 20% पर एनम, ये इंटरेस्ट परसेंट है, ठीक है, और इंटरेस्ट आपका हो गया 3,000, ठीक है, इंटरेस्ट आपका हो गया ₹3,000, ठीक है। तो अब टोटल अमाउंट क्या हुआ, 5,000 उसने लगाया, उसके टोटल अमाउंट रिसीव मतलब जो अमाउंट रिसीव किया वो आप जब टोटल अमाउंट जो रिसीव किया तो वो जो आपका टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 3,000, 5,000 प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे शायद आपको ये दिखे ना तो मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि उधर मेरी फोटो इमेज आ जाएगी तो इसके वजह से शायद आपको दिखे ना। तो इंटरेस्ट जो आपका हो गया, इंटरेस्ट जो हो गया वो 20% था पर एनम, ठीक है, और इंटरेस्ट आपका टोटल टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ 3,000 हुआ, ठीक है,
तो अमाउंट जो होगा आपका, अमाउंट मतलब कि टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है? तो अमाउंट जो होगा आपका रिसीव्ड अमाउंट, मतलब वो इंटरेस्ट जब उसे मिल गया, उसके बाद टोटल अमाउंट इसके पास क्या आया, वो हो गया, तो टोटल मतलब उसके पास टोटल अमाउंट कहलाता है, ठीक है? तो 5,000 उसने लगाया, ठीक है, और उसके पास 3,000 और आया, ठीक है? तो टोटल अमाउंट उसने, टोटल अमाउंट उसके पास क्या हो गया, टोटल उसके पास कितने पैसे हो गए, 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पाने के बाद जो उसके पास टोटल पैसे होंगे, मतलब तो जितने अमाउंट होंगे वही टोटल अमाउंट, मतलब वही अमाउंट कहलाएगा, ठीक है? तो सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में आप देखिए ये 3,000 आया कैसे, ठीक है? आप इधर देखिएगा 3,000 यहाँ पे आया टोटल इंटरेस्ट, ठीक है? तो एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 3,000 है यही है आपका एस आई। तो इसका देखिए 3,000 आने का फॉर्मूला देखिए, यहाँ 1,000 × 3 है, 20% तो 5,000 है। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट ये जो है 3,000 आया, ठीक है? ये सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, इंटू टी, ठीक है, बाय 100, ठीक है, बाय 100। और ये जो टी होगा ये ईयर्स में होगा, ठीक है? ये टी जो होगा ये ईयर्स में होगा, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था। आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप एस आई निकालते इस फॉर्मूले से, तो 5,000 था आपका, 20% रेट था, और टाइम जो आपका था वो 3 साल का था, और आपका डिवाइडेड बाय 100, तो 100 0 0 कट गया, 5 × 10 दिया, मतलब 3,000, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट आपका 3,000 यहाँ पे निकल गया। तो इस फॉर्मूले से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा पी गुना आर गुना टी बटा 100, पी गुना आर गुना टी बटा 100, ठीक है? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? आगे देखिए, अब इसमें अगर मुझे टाइम, अच्छा ये मैं, अब मुझे इसमें टाइम निकालना है, ठीक है? मुझे मान लीजिए टाइम निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा एस आई इक्वल टू पी गुना आर गुना टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है? अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर, ठीक है? अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। और अगर मुझे पी निकालना है, तो पी निकालना है तो एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू, ठीक है? तो कोई भी एक चीज निकालना है, ये चार चीज यहाँ पे दी गई है, चारों में से कोई एक चीज निकालना है तो तीन चीज होना चाहिए, ठीक है? तीन चीज होना चाहिए, ठीक है? तो अमाउंट जो होगा, ठीक है, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो समझा रहा हूँ अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं आराम आराम से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा, आराम से कुछ भी होगा तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, मतलब ध्यान से समझिएगा, एकदम मैं आराम आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे, अब बात आई अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जैसे देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट क्या आया था, 5,000 + 3,000, तो 5,000 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट था 3,000, ठीक है? तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये कोई भी अमाउंट, मतलब आप एस आई और सी आई में दोनों के लिए ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो आप देखें एस आई, ये था एस आई का एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लेते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया ₹8,000, ठीक है? और आर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए दिया गया है 15% पर एनम, ठीक है? और टाइम दिया गया है 2 2 साल, 2 ईयर्स। तो इसका एस आई क्या हुआ, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, सीधा 8,000 × 15 × 2/100, 8,000, 8,000 × 15 × 2/100, ठीक है? ये कैंसिल हो गया, तो 15 × 30 और 8 × 3 = 24, यानी ₹2,400, ठीक है? इसका टोटल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया, 2,400, ठीक है, 2,400, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका, अमाउंट हो जाएगा 8,000 + 2,400, यानी हो जाएगा ₹10,400, ये हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है? एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया गया है ₹10,000, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है ₹10,000, ठीक है? टाइम मान लीजिए आपका दिया गया है 18 मंथ्स, ठीक है, 18 मंथ्स, और रेट जो दिया गया है वो आपका मान लीजिए दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, मान लीजिए 20%, ठीक है? अब इसमें बोल रहा है एस आई निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो 1,000 होगा ही होगा, ठीक है, प्रिंसिपल 1,000 होगा,
और टाइम जो दिया गया वो 18 दिया गया है ना, 3 मंथ्स दिया गया, मतलब 18 मंथ्स। तो ये कितने, ये 18 मंथ्स क्या होगा, ये 18 मंथ्स क्या हो जाएगा, 1.5 ईयर्स, ठीक है, यानी 3/2 ईयर्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आर जो है 20 और टाइम 3/2 है, तो 3/2 कर देंगे 100 × 2, मतलब इसको ईयर में चेंज करना है। टाइम मैंने बताया था ईयर में होगा, ठीक है, तो ये 100 100 कटा, 100 100 कटा, ये 2 से 10 बार में कटा, यानी 1,000 3 रुपीज, 3,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आपका 3,000 होगा 18 महीने में, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आप देख रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकलता है वो इंटरेस्ट निकलता है उसका, इसका ये चीज समझिए, उसका एक ही प्रिंसिपल होता है, ओनली वन प्रिंसिपल। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में आपका एसआई में आपका ओनली वन प्रिंसिपल, ठीक है, ओनली वन प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो 8,000 था, ये 8,000 हमेशा जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल हमेशा 8,000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 10,000 था, प्रिंसिपल हमेशा 8,000 रहेगा, ठीक है, मतलब इसी प्रिंसिपल पे, ठीक है, आपको हमेशा रेट निकालना है, मतलब इंटरेस्ट निकालना है इसी प्रिंसिपल, यानी 8,000 पे ही हमेशा आपका इंटरेस्ट निकलेगा, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, जितने साल के लिए, ठीक है, इसी प्रिंसिपल 10,000 के लिए आपको रेट जो इंटरेस्ट है निकालना पड़ेगा, वो भी चाहे कितने साल के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल डजन डज नॉट चेंज, ठीक है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, ठीक है, ये आपको याद, ठीक है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। तो प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, मैंने आपको क्यों बताया भाई, ये क्या एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, ये आपको मैंने बताया, तो क्या आपने एकदम बहुत बड़ा, मतलब आप बोलोगे ना कि क्या आपने बता दिया प्रिंसिपल चेंज नहीं होता तो है क्यों। अब आप जब सीआई पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपका एसआई और सीआई में, जो सीआई में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है जो मैंने आपको बताया उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सीआई आपने पढ़ लिया, सीआई आपने पढ़ लिया यानी साधारण ब्याज आपने पढ़ लिया, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि ए है, अभी एग्जांपल लिया था हमने ए, वो ₹5,000 आपका उसके पास है, ठीक है, वो बी को फिर से 20% के इंटरेस्ट पर एनम, 20% इंटरेस्ट पर एनम में वो आपका कुछ पैसे देता है, ठीक है, और वो 2 साल के लिए देता है, मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए देता है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए देता है। तो अब जो है इसमें, अब वो जो है जो देता है ये आपका देता है सीआई में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में देता, कम ये 20% पर इनम ये होता है, लिखा जाएगा आपका एग्जाम में लिखा जाएगा कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, तो ये चीज आपका क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो अगर 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर एक साल ये कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इसमें क्या होगा, हर एक साल आपका प्रिंसिपल चेंज होगा, कैसे, मतलब हर एक साल आपका प्रिंसिपल चेंज होगा कैसे, देखिए जैसे ए जो है 5,000 रुपया दिया, ठीक है, ए जो है 5,000 रुपया दिया, ठीक है, तो पहला साल जो इंटरेस्ट होगा, पहला साल इंटरेस्ट 20% इंटरेस्ट है, यानी 20% ऑफ 5,000 क्या होगा, 20% ऑफ 5,000 होगा आपका ₹1,000, ठीक है। अब जो है ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 5,000 प्लस 5,000 प्लस 6 1,000, ठीक है, 5,000 प्लस 1,000, तो ये दोनों अब ऐड हो गए, 5,000 प्लस 1,000, ठीक है, 5,000 प्लस 1,000 दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ये 5,000 प्लस 1,000 क्या हो गया, अब आपका हो गया 6,000 रुपीज 6,000, ठीक है, अब दोनों ऐड हो गया, अब जो है ये आपका नया प्रिंसिपल बन गया, ये आपका न्यू प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, न्यू प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, ये आपका न्यू प्रिंसिपल हो गया। अब जो अगला साल जो इंटरेस्ट होगा ये इस पे होगा, अगला साल जो इंटरेस्ट होगा, मतलब एक साल आपका 5,000, अगला साल जो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, और अगला साल जो इंटरेस्ट होगा वो 6,000 पर होगा, ठीक है। अब हमें 6,000 का 20% निकालना है, 20% ऑफ 6,000, ठीक है, 6,000, तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज
1200, ठीक है, ये 1200 हो जाएगा। तो अब जो है देख लिया आप कि जो 6000 का 20% है वो 1200 हो गया। तो अब देखिए 2 साल में टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 1000 प्लस 1200, यानी आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹2200। तो ये आपका 2 साल में टोटल इंटरेस्ट 2200 हो गया, ठीक है। अगर वो जो 5000 SI में अगर हम 5000 निकालते, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता इसका, तो 5000 गुना 20 गुना 2 साल बटा 100, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता ₹2000, ठीक है, ₹2000। तो आप देख सकते हैं कि ₹200 इसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में वो पैसा लगाता है तो ₹200 आपको उसको ज्यादा मिल रहा है, एक को ₹200 ज्यादा मिल रहा है। तो ये 200 ठीक है, ये मुझे समझ में आया कि 2000 तो सिंपल इंटरेस्ट से आ गया, प्लस ये जो 200 है वो कैसे आया। ये 200 इसलिए आया क्योंकि देखिए अब यहाँ पे समझिएगा कि 5000 लगाया, ठीक है, 5000 उसने लगाया, ठीक है। तो 5000 में पहला साल उसे कितना इंटरेस्ट मिला, पहला साल उसे इंटरेस्ट मिला 1000, ठीक है, पहला साल उसे इंटरेस्ट मिला 1000। अब जो है दूसरा साल भी उसको, अब इसमें क्या होगा ना, सीआई में जो है आपका SI इन्वॉल्व है, SI इन्वॉल्व है, मतलब SI इसमें आपका पहले SI निकलता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस जो और इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो आपका पहले सिंपल इंटरेस्ट ही निकलेगा, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा जो आगे वाला अमाउंट है। यहाँ जो देखिए अगर इसमें देखें तो अगर हम 6000 का ब्रेकअप करें, ठीक है, चलिए इसको मैं आपको समझाने से पहले ये चीज समझा देता हूँ कि इसको मैं समझाने से पहले आपको यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अगर हम 6000 का ब्रेकअप करें, ठीक है, अगर हम 6000 का ब्रेकअप करें, देखिए 6000 है, इसको अगर हम तोड़ें तो ये 5000, ठीक है, 5000 प्लस 1000, तो इस 5000 का तो SI निकला। अब देखिए इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है ना, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है, यानी देखिए ये 6000 जो है वो 5000 प्लस 1000 है, ठीक है। अब देखिए 5000 का 20% क्या होगा, 5000 का 20% हम निकालेंगे तो 1000 होगा, 5000 का अगर 20% निकालेंगे तो 1000 होगा, और 1000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या होगा, 200 होगा। तो यही दोनों मिलकर 1200 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या हो गया, ₹1200 हो गया। तो यही देखिए बात क्या हुआ कि जो 6000 आपका नेक्स्ट अमाउंट हुआ उसमें से जो पहला वाला 5000 था प्लस इंटरेस्ट, मतलब अब क्या हुआ, जो पहला आपका पहले का जो प्रिंसिपल था उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, उस पे भी 5000 पे भी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 5000 पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और 1000 जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पे इसमें भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो SI में क्या होता है, SI में आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ये याद रखिए, ठीक है। SI में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए यहाँ 5000 पे तो आपको 1000 इंटरेस्ट मिला, लेकिन जो 1000 था उस पे भी 20% इंटरेस्ट मिला और आपका 200 हो गया। यही जो 1000 पे इंटरेस्ट मिला वही आपका ₹200 एक्स्ट्रा हुआ और वही चीज आपका यहाँ पे CI में ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करूँ कि 5000 था, ठीक है, 5000 था, तो 5000 पे उसको पहले उस पहला साल, ये पहला साल 1000 इंटरेस्ट मिला, ठीक है, पहला साल उसको 1000 इंटरेस्ट मिला, पहला साल देखिए फोर फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए, ठीक है, फोर फर्स्ट ईयर SI इज इक्वल टू CI, ठीक है, पहला साल के लिए CI और SI इक्वल होता है, क्योंकि पहला साल में जो इंटरेस्ट मिला उस पे, दूसरा साल तो उस इंटरेस्ट पे, अगर फर्स्ट ईयर मान लीजिए उसको मिला था इंटरेस्ट 1000, ठीक है, वो दूसरा साल लेता ही नहीं, तो उस इंटरेस्ट पे अब उसको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, है ना, उस इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, तो उसका तो इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए पहले साल के लिए SI और CI इक्वल होता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो अब ये पहला साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, अब सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर इस 5000 का जो है, अभी मैंने बोला था 5000 का भी एक इंटरेस्ट मिला, अब सेकेंड ईयर क्या होगा, 5000 का भी 1000 आपको मिलेगा, 5000 का भी 1000 मिलेगा सेकेंड ईयर, और इस 1000 का भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा ₹200। तो यानी टोटल इंटरेस्ट जो होगा ये सब ऐड हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1000 प्लस 200, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया
2020, ठीक है। आप एकदम इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, इस ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप समझने लगे, क्योंकि मैं एकदम आपको खोल के बता रहा हूँ पूरे चीज जो है ना, मतलब बढ़िया से बता रहा हूँ, एकदम ब्रेक करके बता रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, कैसे जो बनता है मतलब फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो चीज आप समझ जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, बड़ा बड़ा बढ़िया टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो कैलकुलेशन से तो आप डील कर ही लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो डील कर लोगे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट का होता है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बढ़िया से अगर समझिएगा तब, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपये आपका, 200 रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 1,000 + 1,000 + 200 यानी 2,200 रुपया हो गया। अगर अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ए, ठीक है, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, और इसको मान लेता हूँ सी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ वन इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न इन वन ईयर, अर्न इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, सिर्फ पहला साल में क्या इंटरेस्ट हुआ, सिर्फ पहला साल में इंटरेस्ट हुआ ए होगा, ठीक है, ए होगा, और क्या हुआ, ₹1,000। तो पहला इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल जो इंटरेस्ट होगा वो 1,000 होगा, 1,000 होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर मैं बोलूंगा कि सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर मतलब सेकंड ईयर यानी दूसरा साल इंटरेस्ट जो होगा, सिर्फ दूसरा साल, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर मतलब सेकंड ईयर में क्या होगा, वो होगा B+C यानी 1,000 + 200, ठीक है, यानी 1,200, क्या होगा, ₹1,200, ठीक है। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कुछ दिया गया कि आपके पास 5,000 रुपया है, ठीक है, और आप 20% इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तो सिर्फ सेकेंड ईयर में मतलब सिर्फ दूसरे साल में सेकेंड ईयर में आपने कितना इन्वेस्ट कमाया, मतलब कितना इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट कमाया वो आपको हो जाएगा 1,200। आपने पहला साल यानी फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया वो होगा आपका 1,000, और आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया वो हो जाएगा 2,200। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ इसमें अब फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, अब जो है वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला आप समझिएगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला भी जो यहाँ पे है वो आपको मैं ब्रेक करके बताऊंगा, कि जैसे मैंने बोला कि अब मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, 1 + R/100, ठीक है, का पावर टाइम -1, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये अगर आपको ब्रेक करूं तो प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम -b, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे अगर मैं 20, अब एग्जाम्पल जो आपका सेट किया मैंने, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल बताए थे मैंने, और कहाँ गया, हाँ 5,000 वाले, ठीक है, वो अगर देखते हैं तो मैंने बोला था प्रिंसिपल जो है आपका 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज, ठीक है, और आपका रेट जो है वो 20% पर एनम, ठीक है, रेट जो है 20% पर एनम है, और टाइम जो आपका 2 साल दिया, ठीक है, 2 ईयर्स दिया, ठीक है। तो अब देखिए SI निकालना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए 5,000, ठीक है, 5,000, और बोल रहा है 1 + R/20 यानी R/100, R/100 20 होती है R/100, सॉरी R/100, ठीक है, R/100, ठीक है, अगर मैंने 20 बोल दिया होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो 20 नहीं 100 होगा, ठीक है, वो 100 होगा, R/100, ठीक है, तो 20/100, ठीक है, का पावर 2 - b यानी 5,000, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, देखिए अब यहाँ पे मैं अगर आपको, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा जो है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूला, बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा। देखिए 5,000 है, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होगा 21/100, लेकिन हम ऐसे नहीं समझेंगे, a+b का होल स्क्वायर, आप a+b का होल स्क्वायर आपने समझा होगा, a+b का होल स्क्वायर यानी 1, ठीक है, a का जो स्क्वायर होता है 1, ठीक है, प्लस a चलिए चलिए चलिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं आपको फॉर्मूले से ही बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा आपका कैलकुलेशन चले जाएगा,
ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला से ही डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये अगर मान लीजिए पी होगा एस आई इक्वल टू ये होगा आपका, मैं फॉर्मूला से ही बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटर होगा, फॉर्मूला जब बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटर होगा और अभी आपकी पहली क्लास है तो आपको इतना कैलकुलेटिव अगर मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा सा आप वहाँ पे वो हो जाएगा आपके लिए कि थोड़ा घुच पुच जाएगी क्लास, मतलब आपका थोड़ा सा खराब हो जाएगा क्लास, तो मैं उसको अभी स्किप करता हूँ। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला से बनाता हूँ। एस आई का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पी इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस सॉरी कट कट टाइम टी, ठीक है, टाइम जो होगा आपका टी, टाइम जो होगा आपका टी, ठीक है, टाइम जो होगा आपका टी, ठीक है, टाइम टी माइनस पी, ठीक है। तो इसको अगर हम टी को मान लेते हैं 2, टी को मान लेते हैं 2, अगर हम टी मान लेते हैं 2, एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टी को मान लेते हैं हम 2, ठीक है, टी को अगर हम 2 मान लेंगे तो ये क्या होगा, पी 1 + R/100 का पावर 2 - P, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पी 1 का ये 1 + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + R² / 10,000 + 2R/100, ठीक है, यही हो जाएगा 2R/100 - P, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा P + PR² / 10,000 + 2PR/100 - P, ये पी पी कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पी कॉमन लेते हैं, पी कॉमन लेते हैं, ठीक है, पी अगर हाँ कॉमन लिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पी आर कॉमन लिए, ठीक है, पी देखिए होगा, ये क्या हो गया, अचानक क्लास बंद किया हो गया, एक सेकंड है ना, ठीक है, पी अगर आप कॉमन लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है, पी अगर आप कॉमन लेते हैं पी आर, ठीक है, पी आर कॉमन लेते हैं बाई 100, पी आर बाई 100 आप कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा R/100, ठीक है, और पी आर कॉमन लिया तो 2 + R/100 + 2, ठीक है, ये आपका ये आ गया। अगर मैं एस आई की बात करूं, ठीक है, 2 साल का एस आई क्या होगा, एस आई 2 साल का एस आई क्या होगा, 2 साल का एस आई क्या होगा, 2 साल का एस आई का मैं फॉर्मूला निकाल लूँ, एस आई इक्वल टू 2 साल का मतलब पी गुना आर गुना T/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी 2 होगा तो 2PR/100। तो अब मैं 2 साल का एस सी आई माइनस एस आई करूँ तो देखिए सी आई क्या है 2 साल में, यहाँ पी आर स्क्वायर बाय 10,000 + 2PR आया, कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसे 100 - 2PR तो ये 100, ठीक है, 100 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, ये क्या होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सी आई एंड एस आई, ठीक है, इन 2 ईयर्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई इन 2 ईयर्स, अगर आपका रेट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल और अगर देखिए यहाँ पे ये भी है कि अगर प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है तो 2 साल का अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है तो ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला बनता है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गया। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, ये सीआई का फॉर्मूला पढ़ा, सीआई में अगर अमाउंट का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है, मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है पी, ठीक है, 1 + R/100 का पावर टी, ठीक है, 1 + R/100 का पावर टी,
ठीक है, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपका जो है, दो फॉर्मूला जो दिया गया है, सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमाउंट का मैंने आपको ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों में अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, जरूरी है क्वेश्चंस करना, क्योंकि अगर कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए, एक ये पहला क्वेश्चन है, ये है ना, पहला क्वेश्चन ये है, इन हाउ मच टाइम विल 5000 अमाउंट्स रुपीज 6800 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, तो कितने समय में 5000 प्रतिवर्ष 9% की साधारण ब्याज से 68 रुपये की राशि हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा बात है, कितने तो क्या निकालना बोल रहा है, टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। ठीक है, यही बोला था। तो अब एस आई क्या होगा, देखिए टोटल अमाउंट है ये 6800, क्या है टोटल अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है 6800, क्या दिया है अमाउंट इक्वल टू 6800 दिया है। ठीक है, तो आपका एस आई क्या आ जाएगा, 6800 माइनस 5000। ठीक है, 6800 माइनस 5000 क्या होगा, 1800, तो 1800 रुपया। ठीक है, तो यह जाएगा एस आई आपका हो गया 1800 गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल आपका 5000 गुना आर जो हो गया 9। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, और 9 दूनी 18 20 और 5 4, यानी 4 साल, 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स, 4 साल में आपका जो है 5000 6800 हो जाएगा 9% का साधारण ब्याज। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1600 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1600 का 15% पर एनम पर। ठीक है, 1600 रुपये पर 2 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं सीधे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, सी आई इक्वल टू, तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 का पावर टी माइनस पी था, है ना, यही था। तो अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 15% क्या होता है, 15% आपका होता है 3/20, 3/20 होता है, तो यहाँ पे 3/20 हो जाएगा, तो ये 1600 वन प्लस, अभी आपको मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/20 का पावर 2 माइनस 1600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1600 गुना 20 और 1 3 23/20 गुना 23/20। अब यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा था, वहां पे जो आपको बोला था कि नहीं आप रुक जाइए कुछ कुछ हो जाएगा, वो जो आपको इस पे पहले जब मैं बता रहा था, जो फिर मैंने आपको 2 साल का डिफरेंस बताया, यहाँ पे वो चीज समझिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्वेश्चन में समझाता तो ज्यादा आता। देखिए, 1 प्लस 3/20 क्या आया आपका, 23/20 आया। तो अगर मान लीजिए 15% दिया है रेट, तो 20 और प्लस 3 क्या होता है, 23/20 हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यही चीज यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो 20 और 3 ऐड कर दीजिए, 23/20 डायरेक्ट लिख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे निकालना है तो सी आई -1600 है ना, -1600। तो अगर हमको सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए हम इतना फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमें सिर्फ लिखना है 1600 गुना 20 होता है 15%, 3/20, 20 और 3 23/20, और गुना 23/20 करेंगे, पहले ये निकाल -1600 कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, है ना, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले में भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर कैंसिल करें, कैंसिल करें, ये 0 0 4 चक्के 16, 2 4 चक्के 16, 23 चौक 92 गुना 23, 3 दूनी 6 9 27, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, ये हो गया 6 7 4 11, 8 8 2 10 1 1 11, 21 से 16 -16 516, आंसर क्या होगा आपका 516। ठीक है, -216, यहाँ 1600 बनेंगे तो 516 है। अब देखिए, इसको हम जो ट्रिक माध्यम है, मतलब अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो ये समझिएगा ट्रिक कि जैसे 1600 दिया है ना, 1600 आपका इंटरेस्ट है, 15% दिया है यानी 3/20, तो 3/20 यानी 1600 है, तो 20 20 1600 का 20 का वैल्यू आपका 1600 के बराबर, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 16 दूनी
32, एक का वैल्यू आपका 8 8 80 के बराबर होगा ना, एक का वैल्यू 80 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 240, तो पहले साल का इंटरेस्ट 240 हुआ, ठीक है। अब दूसरे साल में जब आएगा तो ये 240 आपका तो पहला साल का इंटरेस्ट होगा, इस 240 पे आपका 3/20 इंटरेस्ट होगा, 3/20 गुना 240 कर दीजिए, तो 0 0 कटा 12, 12 3 36, यहाँ पे 36, अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 480 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 516, तो देखिए 516 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर आप को फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको इतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ये जो कैलकुलेशन है उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हमने 2 साल 3 साल रहा, तो इस तरीके को यूज करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो आपको तरीका मैंने बताया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तरीका फिर से मैं लिखता हूँ, 1600 दिया गया है, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 15% होता है 3/20, तो 1600 को 3/20 340, सॉरी 240, यहाँ भी 240, इसका भी 3/20 करेंगे, यह आ जाएगा 36, और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा 500। ये मैंने आपको समझाने के टाइम बताया था कि इस टाइप से कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि 72,800 आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो इसको उस तरीके से बनाएं क्या, देखिए अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, 72,800, ठीक है, तो 10% के ब्याज, 10% क्या होता है 1/10, 10% क्या होता है 1/10, तो इसका 10% क्या हो जाएगा 7,280, ठीक है, 7,280, ठीक है, ये आज आपका 1/10 हो गया, ठीक है। अब इस पे जो अगला सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर आपका 7,280 होगा ही, 7,280, इसका 10% क्या होगा 728, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया, ये बात अगर आपको समझ में आया तो आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा साल भी आपका 7,200 होगा, 7,280, अब जो है इसका जो है, ठीक है, इसका जो 7,280 है, ठीक है, इसका भी आपका 10% होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका जो यहाँ पे 10% होगा यानी 728, ठीक है, 728, और यहाँ पे इसका 10% होगा, ठीक है, 728, ठीक है, और इसका भी 10% यहाँ पे होगा यानी 72.8, ठीक है, 72.8, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया आंसर, आप देखिए 72 72 72 80 यानी 72 गुना 3 28 24, 7,280 गुना 3 28 24 84 21, 21,840, 21,840 हो गया, 21,840, और यहाँ भी 21,84, 21,84, 72.8, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 2 6, 8 4 12 7 9, 8 1 9 10, 1 3 1 4, ये हो जाएगा 2.8, 24,096.8, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम 2 3 क्वेश्चन किए हैं, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बता दिए, अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी अदर टॉपिक्स हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस कीजिए, हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारा जो ग्रुप है एसएससी का, एसएससी टेलीग्राम प्रैक्टिस मॉक का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रैक्टिस मॉक, एसएससी प्रैक्टिस मॉक, वहाँ ज्वाइन कीजिए, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमारा साथ ही साथ हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आप जीडी का फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, मिनी मॉक अवेलेबल है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, प्रैक्टिस मॉक है वहाँ पे दीजिए, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल, हमारा जो चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में।